बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एम इकोनॉमिक्स पार्ट टू का एक सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्टफ इसका थोड़ा सा ज्यादा है बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत। एक इकोनोमेट्रिक्स, एक इंटरनेशनल ट्रेड, ये साथ साथ करने वाले सब्जेक्ट है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ये भी चले आपका पास्ट पेपर से कवर हो जाता है, और बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और एक रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसका सिलेबस कम है क्योंकि वो 50 नंबर का सब्जेक्ट है। स्टफ इसका ज्यादा है, सिलेबस कम है, डायग्राम इसमें ज्यादा है, थोड़ा सा टेक्निकल काम है, समझ के करने वाला है। इसलिए इस सब्जेक्ट को आपने हल्के में नहीं लेना, और साथ साथ इसकी तैयारी आपने स्टार्ट कर देनी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो एम इकोनॉमिक्स पार्ट टू कर रहे हैं। जिनका रिजल्ट पार्ट वन का आ गया या जिनका रिजल्ट अभी पार्ट वन का नहीं आया, तो वो टाइम वेस्ट अपना मत करें और तैयारी स्टार्ट कर दें, खास तौर पे इकोनोमेट्रिक्स की और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की। दिस इज माय पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो, इकोनोमेट्रिक्स। इसकी तो मैंने लास्ट टाइम आपको डिटेल में सारी डिटेल बता दी कि कौन कौन सा इसका स्टफ है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसके कौन कौन से हैं, क्या आपने तैयारी करनी है। तो बात करते हैं जी इंटरनेशनल ट्रेड की। इसके लिए रिकमेंड जो बुक्स की जाती हैं, हमारे यहाँ आमतौर पे ट्रेंड है कि ए हमीद शाहिद की बुक, वो ज्यादातर वो ट्रेंडिंग में इजी भी है, वो लगवाई जाती है। इसके अलावा जो दूसरी बुक है फॉरेन ऑथर की, वो है डोमिनिक सल्वाटोर। तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि डोमिनिक सल्वाटोर की ये बुक, ये हमेशा के कंपैरेटिवली वो ज्यादा बेहतर है। एक तरतीब वाइज, सीक्वेंस के साथ, टॉपिक वाइज इसमें सारा सिलेबस है और स्टफ है। इसमें से बहुत सारी चीजें कॉपी करके हमेशा की बुक में है, और दूसरे कुछ ऑथर्स हैं, अमजद अली भट्टी है या शहजाद चौधरी है, उनकी बुक्स में है। तो आपको मैं प्रेफर यही करूंगा, डोमिनिक सल्वाटोर एडिशन कोई सा भी ले लें, सेकेंड हैंड बुक ले लें या नई परचेज कर लें, ये बुक अपने पास रखें। ये बुक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दी बेस्ट है। अब डोमिनिक सल्वाटोर की बुक के अकॉर्डिंग ही मैं आपको इसका सिलेबस पहले बता दूं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो 100 नंबर का ये पेपर है। आपको 7 क्वेश्चंस आएंगे, 7 में से आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और आपके पास 3 क्वेश्चंस की चॉइस है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर हो जाए, पिशावर की यूनिवर्सिटी है, आजाद जम्मू कश्मीर में मुजफ्फरगढ़ यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सिलेबस सभी के लिए इंटरनेशनल ट्रेड का यही है। तो आपने पेपर पैटर्न का जरा फर्क हो सकता है, लेकिन सिलेबस यही होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज, मैं इस बुक में से, मेरे पास इस वक्त मौजूद है ये बुक, आपको मैं बता देता हूं रिलेटिवली इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं। कंटेंट में चैप्टर नंबर वन है जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने इस चैप्टर में सिर्फ दो छोटी छोटी चीजें करनी है। एक तो आपने स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये कर लेनी है, दूसरा इंपोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये आपने काम कर लेना है। इसके अलावा इस चैप्टर में वर्ल्ड चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंजेस का सामना इंटरनेशनल ट्रेड के, स्कोप एंड इंपोर्टेंस ये तो एक ही चीज है, और वर्ल्ड चैलेंजेस कौन कौन से है ये आपने चैप्टर वन में देख लेना है। आपने सीधा आ जाना है चैप्टर नंबर टू में। चैप्टर नंबर टू का नाम है वो पार्ट वन इंटरनेशनल ट्रेड, और चैप्टर नंबर टू स्टार्ट हो रहा है ये लॉ ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज के नाम से। अब इस लॉ को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मर्सेंटलिस्ट व्यू ये आपने देख लेना है। एक पेज की थ्योरी है सिर्फ मर्सेंटलिस्ट व्यू, और ये 10 नंबर का नोट इस पे आ जाता होता है, एक दो बार आया हुआ है, इसलिए इसे भी आप देख ले, आसान सी बात है। इसके बाद एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ की, ये आपने करनी है। और दूसरे नंबर पे आपने इस चैप्टर में जो काम करना है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी डेविड रिकार्डो की। एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट थ्योरी और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आपने ध्यान से करना है, तवज्जो से सीखना है। और इसी में आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपने सीख लेनी है डिटेल में। चैप्टर नंबर टू में इतने काम है। अब आएंगे आप चैप्टर नंबर थ्री में। चैप्टर नंबर थ्री में है जी स्टैंडर्ड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये, लेकिन इसमें
कॉन्सेप्ट है आपके समझने के लिए, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अंडरस्टैंड हो गए तो आगे वाले चैप्टर्स में आपके काम आएंगे। इस वजह से इसमें जो आपने कॉन्सेप्ट करने हैं, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम इन आइसोलेशन क्या होता है, ये तमाम चीजें आपने, इनकम्प्लीट कंप्लीट स्पेशलाइजेशन क्या होती है, स्मॉल कंट्री केस, इंक्रीजिंग कॉस्ट और डिक्रीजिंग कॉस्ट और लार्ज कंट्री केस, ये आपने तमाम चीजें इस चैप्टर में सीख लेनी है। और उसके बाद आपने आ जाना चैप्टर नंबर 4 में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जी डिमांड एंड सप्लाई ऑफर कर्व एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड। ऑफर कर्व के नाम से ये चैप्टर फेमस है और ऑफर कर्व का क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है। इस चैप्टर में आपने जो काम करना है वो पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम, ऑफर कर्व ऑफ नेशन ए नेशन बी, उसकी मदद से दोनों ममालिक का कंबाइन ऑफर कर्व बनता है इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम भी इसे कहते हैं। इनके टॉपिक्स की अलहदा से वीडियो भी अपलोड हैं इकोनॉमिक्स पोर्टल में। ऑफर कर्व के बाद आपने इस चैप्टर में जो काम करना है, टर्म ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं, ये ड्राइव कैसे होती है, इस चैप्टर में बस यही काम आपने करना है। चैप्टर नंबर 5 है जी फैक्टर इंडोमेंट एंड हेशरोलन थ्योरी, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आपने लाजमी करना है। एक क्वेश्चन इसमें से भी अक्सर आ जाता होता है। इसमें सबसे पहले हेशरोलन थ्योरी, इसका इंट्रोडक्शन है, इसकी अजम्पशंस है, डिटेल में लिखी हुई है अजम्पशंस, वो करनी है। हेशरोलन थ्योरी उसके बाद आपने याद कर लेनी है। हेशरोलन थ्योरी पे डायरेक्ट आने से पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये क्या होता है ये आपने समझ लेना है। उसके बाद फैक्टर इंटेंसिटी क्या होती है, ये दो इसके डिफरेंट मेथड है इसको फाइंड करने के, वो किन किन एंगल से कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। फैक्टर इंटेंसिटी समझें, फैक्टर अबंडेंस समझें, उसके बाद हेशरोलन थ्योरी आपने याद करनी है। हेशरोलन थ्योरी पूरा डिटेल में 25 नंबर का क्वेश्चन आता होता है, इसे आपने लाजमी लाजमी करना है। इसके बाद इस चैप्टर में आपने करना है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी, छोटा सा काम है और इस पे 10 नंबर का नोट आ जाता होता है, 25 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, तमाम फैक्टर वो इक्वलाइज हो जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड जिस वक्त होती है, तो मजे की थ्योरी है, ये आपने करना है। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, ये तमाम टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लियोंटिफ पैराडॉक्स, ये भी आपने साथ ही करना है। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में HOS मॉडल, ये आपने करना है, हेशरोलन मॉडल एंड न्यू ट्रेड, ये आपने करना है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये आप एक बार देखेंगे इसको। ट्रेड बेस ऑन प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन, और आगे ये डिटेल में है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इसे मेजर कैसे किया जाता है, इसकी एक डायग्राम है। ये तमाम पूरे इंटरनेशनल ट्रेड के नोट्स मेरे पास मौजूद है, नोट्स जिसको चाहिए हो वो रब्ता कर सकता है। इसके अलावा इस चैप्टर में जो आपने काम करना है, और टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस, टेक्नोलॉजिकल गैप एंड प्रोडक्ट साइकिल मॉडल इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी कर लेना है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्योरी है, एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ हम पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम वो स्टडी करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने इस चैप्टर में लाजमी करना है। चैप्टर नंबर 6 में बस यही काम करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आप ग्रोथ सीखेंगे। बैलेंस्ड ग्रोथ होती है जिस वक्त, उस वक्त प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की क्या शेप होगी, लेबर ग्रोथ होती है तो उस वक्त क्या शेप होगी, कैपिटल अक्यूमुलेशन होती है उस वक्त क्या शेप होगी, ये चीजें आप सीखेंगे। उसके बाद टेक्निकल प्रोग्रेस, न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस हो तो उस वक्त क्या शेप होगी, लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस हो, कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस हो, ये सारा काम आप डिटेल में सीखेंगे इसमें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे वाले टॉपिक्स के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए लाजमी। अब यही कॉन्सेप्ट आगे आपके इस्तेमाल होंगे ग्रोथ ऑफ ट्रेड में। ग्रोथ ऑफ ट्रेड ये दो केसेस है, स्मॉल इंडस्ट्री केस है, स्मॉल कंट्री और लार्ज कंट्री केस। स्मॉल कंट्री केस में भी आपने ये न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस कैपिटल या आपकी लेबर टेक्निकल प्रोग्रेस हो गई, और इसी तरह ग्रोथ अगर आपकी हो जाती है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उसकी शेप में क्या चेंज आएगा, गेन हम किस तरह से मेजर करते हैं, वेलफेयर इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, लार्ज नेशन हो स्मॉल नेशन हो इनमें क्या इंपैक्ट आता है, टर्म ऑफ ट्रेड इनकी
डिटोरिएट हो जाती हैं या इम्प्रूव हो जाती हैं, ये सारा काम आपने, इनमें से भी एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है। अब पार्ट टू स्टार्ट होता है जी। पार्ट टू में चैप्टर नंबर 8 है ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर में से भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन में टैरिफ है सबसे पहले, टैरिफ की टाइप्स है, वो तीन टाइप्स है, एड वोल्डरम, स्पेसिफिक, कंपाउंड। ये इंपोर्ट टैरिफ हो सकता है, एक्सपोर्ट टैरिफ हो सकता है, ये तमाम टैरिफ्स की आप टाइप्स याद करेंगे। इसके बाद इन टाइप्स को पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में आप चेक करेंगे कि टैरिफ जिस वक्त लग जाता है किसी कमोडिटी में, उसकी इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इंपैक्ट आता है, वेलफेयर पे क्या इंपैक्ट आता है। इस पे आप कंज्यूमर इफेक्ट देखेंगे, प्रोड्यूसर इफेक्ट देखेंगे, ट्रेड इफेक्ट, गेन फ्रॉम ट्रेड, ये सारा कुछ ये आप इसमें लाजमी आपको पता होनी चाहिए बातें। डेड वेट लॉस किसे कहते हैं, थ्योरी ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर है ये आपने इसके बाद करनी है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ टैरिफ इन अ स्मॉल कंट्री, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ टैरिफ इन लार्ज कंट्री, ऑप्टिमम टैरिफ, ऑप्टिमम टैरिफ की इलस्ट्रेशन है ग्राफिकली, ऑप्टिमम टैरिफ रिटेलिएशन, ये काम आपने लाजमी लाजमी करने हैं। उसके बाद आगे आ जाना है जी चैप्टर नंबर 9 में, चैप्टर नंबर 8 में यही काम आपने करना है। चैप्टर नंबर 9 है जी नॉन टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स, नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स या न्यू ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। इस चैप्टर में इंपोर्ट कोटा, एक्सपोर्ट कोटा ये आपने सीखना है, अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं, VER, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, ये डिटेल में टॉपिक आपने इसमें याद करना है। चैप्टर नंबर 9 में सिर्फ यही काम आपने करना है। इसके बाद आ जाना चैप्टर नंबर 10 में, चैप्टर नंबर 10 भी आपने इसी तरह कंप्लीट नहीं करना, उसमें एक दो टॉपिक आपने काम किए हैं वो कर लेने हैं। ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियंस ये किसे कहते हैं, ट्रेड क्रिएशन किसे कहते हैं, ट्रेड डाइवर्जन किसे कहते हैं, और इनके साथ केस स्टडी भी दी हुई है, वो साथ करके आपकी अंडरस्टैंडिंग जरा बेहतर हो जाएगी। तो इसमें दो केसेस आपने करने हैं। हाँ, 2020 में क्वेश्चन आया है इसी चैप्टर में, थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट, तो ये भी आपने थ्योरी लाजमी कर लेनी है, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 11 वो आप स्किप कर सकते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर करना हो तो इंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी, वैसे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने ये किया हुआ, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड में इतनी नहीं आती, लेकिन एक बार इसे देख लीजिएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 11 में और कुछ नहीं करना, चैप्टर नंबर 12 भी आप काट सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर नंबर 13 ये पार्ट 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, इस बुक में सेक्शन बने हुए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब पार्ट 3 स्टार्ट हो गया, पार्ट 3 में बैलेंस ऑफ पेमेंट ये क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन सी हैं ये आपने सीख लेना है, और इसमें भी बस ये बेसिक चीजें ही आपने करनी है। चैप्टर नंबर 14 में आ जाना है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड एक्सचेंज रेट, इसमें आपने फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ये कौन कौन से होते हैं ये देखने हैं आपने, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, स्पॉट एक्सचेंज रेट एंड फॉरवर्ड रेट ये किसे कहते हैं, ये तमाम चीजें आपने बेसिक सीख लेनी है, इसमें भी समझ लेंगे ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं। चैप्टर नंबर 15 जो है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, इसमें परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ये आपने लाजमी कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता होता है, ठीक है। इसमें ये दो तरह की है, एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर थ्योरी और रिलेटिव परचेजिंग पावर थ्योरी, ये दोनों आप करेंगे और आपने चैप्टर नंबर 15 में बस यही काम करना है। पार्ट 3 भी आपका खत्म जी। पार्ट 4 है ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, पार्ट 4 है जी ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स। पार्ट 4 में चैप्टर नंबर 16 से ये स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 16 का नाम है द प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म विद फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इस चैप्टर में आपने सिर्फ मार्शल लर्नर कंडीशन ये करनी है, इसके अलावा आपने चैप्टर में और कोई काम नहीं करना। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 17, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, और 18 में भी आपने ये कंप्लीट चैप्टर नहीं करना। इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट, मनी मार्केट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये चीजें आपने देखनी है, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस विद फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये दो चीजें आप देख लेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में आपने कोई काम नहीं करना। चैप्टर नंबर 19, 20, 21 ये आप स्किप कर सकते हैं,
इतना ही काम कर लें, आपके 7 में से 6 क्वेश्चन तो इंशाल्लाह वो मस्ट आते होंगे, हो सकता है 7 के 7 भी आपको आते हो, बाकी चॉइस में आपने छोड़ने, सिर्फ 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज का तरीकाकार, पेपर पैटर्न जरा चेंज है, स्टफ यही है, चीजें आपने यही करनी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ इसे शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।